दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सभी का दोस्त लवी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी के लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट वाला टॉपिक लेके आया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट वाला टॉपिक है। तो आशा मैं यही करूँगा, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा और सीखिएगा। जैसे कि दोस्तों डेली बेसिस पे हम सारे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे फ्रेंड्स और मेरे पास और आप सभी के पास जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं एक से एक मोबाइल उपलब्ध है और काफ़ी मार्केट में मोबाइल्स आ गए काफ़ी अच्छे अच्छे। तो दोस्तों हमारा देखिए नॉर्मली जो तरीका होता है हमारे फ़ोन को अनलॉक और लॉक करने का वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। हम बटन को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, अनलॉक हो जाता है हमारा फ़ोन। तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्टाइल वाली चीज़ दिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, हाल ही में मैंने भी इसको यूज़ करा है और मैंने अपने फ्रेंड्स के फ़ोन में देखा था और मेरे को काफ़ी दोस्तों अट्रैक्टिव ये लगी। अगर कोई भी दोस्तों अगर आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो आप और उस पर वर्क करते हो तो 100% मैं बोल रहा हूँ दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिवली एप्लीकेशन है और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला उस एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए फिर सीख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को आप सभी ने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली आप सभी के लिए जो कि सीधा आपकी मेल पे आ जाएगी। एंड जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं आप सभी से दिल से बहुत बहुत निवेदन है कि आप ही हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ रोजाना मनी अर्निंग ऐप्स रिलेटिव या इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन रिलेटिव वो सीधा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है, आसानी से वॉच कर पाते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर चलना है तो प्ले स्टोर पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर आपको जो सर्च बार पे यहाँ टाइप करना है स्मार्ट वेक ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, इस एप्लीकेशन का ये नेम है। 100,000 लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं, 3.8 की रेटिंग कर चल रही है इस एप्लीकेशन की, तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आपको समझा देता हूँ इसमें किस तरीके से हमें क्या क्या पॉइंट हमें प्रोवाइड होती है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलते हैं बेनिफिट वाले। तो इस पे यहाँ पे देखिए स्क्रीन्स हैं तो मैं आपको यहीं से स्टार्ट पे समझा देता हूँ पहले। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन हमें इसमें मिलता है रीच टू वे, ये वाला जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस तरीके का मोबाइल बना हुआ है रीच टू वे, इसमें आप क्या लिखा हुआ है पिकअप यूर फोन टू वेक द स्क्रीन, मतलब अगर आप इसमें एक ऑप्शन आएगा इस तरीके का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब ऑन करेंगे एप्लीकेशन को। पहले ऑप्शन पे जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से अगर आपका फ़ोन अगर आपने कहीं रखा हुआ है और आप जैसे ही पिकअप करोगे तो आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाला जो वर्जन है तो ये वाला जो फीचर है वो ओनली आपको आईफोन में ही मिलेगा, लाइक आईफोन iOS 10, मतलब आईफोन में जो वर्जन है 10 iOS उसी में ये देखने को अभी तक मिला है। बाकी एंड्रॉयड में बहुत अच्छी बात है हमारे लिए स्मार्टफोन के लिए लॉन्च कर दिया गया ये ऑप्शन, ये भी आपको इसमें मिल जाता है पहला ऑप्शन। सेकेंड है एयर कंट्रोलर, एयर कंट्रोलर क्या है दोस्तों, ये वी ऑवर योर फोन टू टर्न ऑन स्क्रीन ऑन एंड ऑफ, मतलब एयर कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके देखिए फ़ोन के ऊपर एक छोटा सा सेंसर होता है हमारे सभी फ़ोन के अंदर, आप सभी जानते हैं फ़ोन के ऊपर एक सेंसर लगा होता है। अगर हम अपने फ़ोन के ऊपर सेंसर से हम हाथ घुमाएंगे अपना हैंड को अपने घुमाएंगे ऊपर से तो लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगी दोस्तों, तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। ये सैमसंग गैलेक्सी S4 से स्टार्ट हुआ था ना और काफ़ी सारे फ़ोन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और जिनके फ़ोन्स में दोस्तों नहीं है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या आता है वेक ऑन नोटिफिकेशन मेक द स्क्रीन व्हेन यू लुक एट द फोन और पिक एंड अप, मतलब दोस्तों क्या है आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी लाइट है जो फ़ोन की ऑटोमेटिकली जल जाएगी। अगर आपने फ़ोन रखा हुआ है ठीक है दोस्तों, अगर आपके जैसे कोई मैसेज आए तो ऑटोमेटिक आपकी लाइट जल जाएगी और आपको संचेत कर देगा ये फ़ोन कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आई है, इस तरीके से आपको पता चल जाता है। एंड उसके बाद जो ऑप्शन है ट्रायल कंट्रोल, ये वाला है स्लो रोटेट योर फ़ोन एंड टर्न ऑन द स्क्रीन, मतलब दोस्तों इसमें अगर आपके हाथ में फ़ोन आपने पकड़ा हुआ है और आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं जैसे यहाँ पे दिखा रखा है रोटेट करते मतलब हिलाते अपने फ़ोन को तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट होती है वो जल जाती है फ़ोन की, आपको बटन दबाने की साइड में कोई ज़रूरत नहीं होती। और ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं फेस वेक, वेक योर स्किन ओनली व्हेन यू लुक एट द फोन, अगर आप अपने फ़ोन में लुक एट मतलब देखते अपने फ़ोन को आपके सेंसर कैच कर देगा उससे भी आपकी जो फ़ोन की है लाइट वो जल जाएगी, तो ये वाला देखिए। और जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है उसके नेक्स्ट वाला स्लीप एंड पॉकेट, स्लीप एंड पॉकेट टर्न ऑन द स्क्रीन ऑफ व्हेन यू पुट योर फोन इन पॉकेट, मतलब अगर आप अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डालते हैं तो आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने पॉकेट पे फ़ोन डाल देंगे और आपकी जो स्क्रीन की जो लाइट है वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगी। तो ये फीचर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, इसमें हमें देखिए फ़ोन की हमें बाई चांस कभी कभी लाइट हमारी जली रह जाती है और जैसे हम पॉकेट में अपना फ़ोन डालेंगे तो उसका सेंसर कैच कर देगा और हमारी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और उसके बाद वाला नेक्स्ट है स्लीप ऑन टैप, मतलब द स्क्रीन विल टर्न ऑन व्हेन यू पुट द फोन ऑन द टेबल,
मतलब मान लीजिए कुछ आप चैट वगैरह कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, चैट कर रहे हैं या फिर किसी व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, मन भर गया आपका, अगर आप फ़ोन रख देते हैं और आपने गलती से स्क्रीन लॉक नहीं करी होती तो ऑटोमेटिक बाद आपकी स्क्रीन को है कैप्चर करके लॉक कर देता, स्लीप मोड पे ले आता है, मतलब आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये रहे हमारा ऑप्शन एक। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इसी के अंदर देखिए वो काफ़ी सारे इसमें फंक्शन आपको प्रोवाइड कर देती है एप्लीकेशन। तो मैं ओपन करके बताया तो किस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया वर्क किस कैसे करना है, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपका जब आप डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए ऐप है ये स्टॉप, तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना है पहले ऑप्शन पे, इस तरीके से हमें इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस डेवलपर ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे एडमिटेशन का। तो आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंसिल और एक्टिवेट, तो आपको एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट इस एप्लीकेशन को कर देना आपके फ़ोन के लिए। उसके बाद मैं बैक चल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेटिंग आती है, सेटिंग में वही जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया यहाँ पे देखिए रीजर टू वेक, यहाँ पे एयर गस्टर जो बताया मैंने हाथ के ऊपर से घुमाएंगे, तो एक बार आपको सभी को ऑन करना है। जैसे ही हमें इसको करना है ऑप्शन को तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है एयर गस्टर वाला वो ऑन हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको पहले बाहर से जाके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट करके, फिर आपको सेटिंग में आना, जो जो आपको इसमें फंक्शन जो आपको अपने फ़ोन में अवेलेबल करने हैं तो आप उस पर क्लिक करके वो फंक्शन अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट का जो ऑप्शन आता है सेटिंग एंड टिप्स एंड सेव बैटरी, इसमें कुछ आपको टिप्स मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से खुद के, तो आप उससे अपनी बैटरी लाइफ सेव कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आप क्लिक करके इससे आपकी बैटरी की लाइफ सेव होगी, जो भी बैकग्राउंड में आएगा मैसेज वो आपके पीछे बैक शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं बैक करके, बाकी आपको देखिए प्रो वर्जन मिल जाता है, अगर आप प्रो वर्जन परचेस करना चाहते हैं तो प्रो वर्जन आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का। प्रो वर्जन में दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर और मिल जाते हैं, बाकी आप वो कर सकते हैं परचेस। बाकी तो दोस्तों फ्री वर्जन ही बेस्ट है, इसमें सारे फीचर हमें मिल जाते हैं, तो आप इसी से ही काम अच्छा चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट जो ऑप्शन आता है हेल्प का आता है, हेल्प सपोर्ट, अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए इससे हेल्प चाहिए एप्लीकेशन से तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद चैट हेडर्स जो आती है आपकी लास्ट का जो ऑप्शन है, इसमें दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, इसके बारे में आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इस हिसाब से तो मेरे को बहुत बेहतरीन लगी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया सारे स्टेप, इस पर ज़्यादा आपको कोई वर्क नहीं है इसमें। आपको देखिए एक तो आपका फ़ोन अट्रैक्ट भी लगेगा काफ़ी, कोई पर्सन अगर देखेगा अगर फ़ोन जेब से निकालते हो काफ़ी अट्रैक्टफुली आपको लगेगा, तो आप ये एप्लीकेशन अपना यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आराम से ले सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों iOS का फीचर मिल रहा है iOS 10 का, तो इस तरीके से दोस्तों बेस्ट एप्लीकेशन है। तो मैं तो यूज़ करूँ इसलिए मैंने जल्द से वीडियो बनाई आपके लिए, तो आप भी आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस एप्लीकेशन का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।